राधा वल्लभ श्री हरिवंश, दीपावली से जुड़े जो आप सभी के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि पुरानी दीपक का क्या करना है और लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन किस दिन करना है, और जैसे कि गोवर्धन पूजा भी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। गोवर्धन जी की परिक्रमा से भाग्य बदल सकता है, तो क्या है इसकी विधि, क्या कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दीपावली के पुराने दीपकों का क्या करना है। देखिए, नियम तो यही है कि पुराने दीपकों को जो है विसर्जित कर दिया जाए। ये क्यों है? मिट्टी के जो भी पात्र हम प्रयोग कर लेते हैं भगवान की पूजा में, उसे दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता। ये इस दृष्टि से जो है माना जाता है, जैसे जगन्नाथ जी के यहाँ जो भोजन प्रसाद बनता है वो मटकी दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जाती। एक मटकी नया रोज मटकी लाते हैं, फिर भोग बनाते हैं, फिर जो है मतलब दूसरे दिन दूसरा बदल देते हैं। उसी तरह से हर पूजा के जो मिट्टी के पात्र होते हैं दूसरे बदल दिए जाते हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं मिट्टी के दीपक दोबारा भी प्रयोग में लेती हूँ, एक बार से मेरा कोई काम नहीं चलता, ठीक है। तो या तो जैसे कि उसमें कुछ भी रखने के लिए, अक्षत रोली ऐसा कुछ रखने के लिए भी यूज़ में ले लेती हूँ, या फिर जो है पूजा में भी दोबारा, शाम की पूजा में, या फिर कभी भी जैसे दीपदान पूरे कार्तिक में करने का महत्व होता है, तो हम उन दीपकों को दोबारा भी प्रयोग में कर लेते हैं। तो ये हमारा मतलब है विचार कि हम करना है, हम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर नियम की बात की जाए तो एक ही बार प्रयोग में लेना चाहिए। और अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो जैसे कार्तिक में दीपदान किया जाता है, तुलसी जी में किया जाता है, और भी जो है मतलब शाम के समय रोज की पूजा में दीपदान किया जाता है, थोड़ा सा पानी से धो करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो दीपक काला नहीं होता है। तब तक काला हो जाता है, इसके बाद जो है बिल्कुल बदल देना चाहिए। जब तक साफ रहे, अच्छा रहे, तब तक यूज में, जैसे कि मैं ले लेती, तो वो मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। अब अगली चीज है कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कब करना है। तो दीपावली जैसे पूरी हो जाती है, यानी कि गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इसके बाद भी आप जो है लक्ष्मी गणेश जी को विदा कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर जो है आप जैसे कि दीपावली की पूजा हो गई, लक्ष्मी गणेश आपने नई मूर्ति ला के और आवाहन कर लिया, उनको बुला लिया, तो फिर आप जो है दूसरे दिन भी विदा कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन भी उन पुराने लक्ष्मी गणेश को विदा कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, या फिर पूरी दिवाली हो जाए तब आप विदा कर सकते हैं। विदा करने में एक बात ध्यान रखिएगा, प्रार्थना करिएगा हाथ में फूल लेकर के भगवान से कि हे भगवान, अब आप जो है इस नई विग्रह, नई मूर्ति में जो है स्थान ग्रहण करें, और जो है इस स्वरूप से अब आप अपने धाम को जाइए, ठीक है। ऐसा कहते हुए उन पर, पुरानी मूर्तियों पर फूल जो है रखना है, क्षमा याचना करनी, बार बार अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनका आसन पीछे खिसका देना है, ठीक है। और फिर जो है सम्मान पूर्वक, यानी कहीं पेड़ के नीचे, कहीं नदियों के पास छोड़कर मत आइएगा, पुण्य आपके समाप्त हो जाते हैं अगर किसी के पैरों के नीचे आपके पूजा की गई कोई भी चीज़ आ जाती है नीचे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा अच्छे से घर के गमलों में ही जो है विसर्जित। कई लोग कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी हैं तो नदियों में विसर्जित नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या क्या मतलब लोग फैलाए रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप नदियों में भी विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बहाव हो बह जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पैरों के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से बढ़िया विसर्जित करना है कि या तो आप कहीं शुद्ध स्थान जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ता, वहाँ गड्ढा खोद करके उनको गाड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में, कैसे हमारा जो है भाग्य बदल सकता है। देखिए, वैसे तो परंपरा यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो है गाय के गोबर से जो है गोवर्धन जी बनाए जाए, यानी श्री कृष्ण की जो है बनाई जाए छवि एक प्रकार से धरती में, और फिर पूजा की जाती है, ठीक है। बढ़िया से सजा के पूरा उनका, जैसे पूजा होती है वैसे पूरा भोग वगैरह लगा करके, लेकिन अब आजकल ये संभव नहीं हो पाता है। अगर मिल जाए तो बिल्कुल करिए। आपको गोवर्धन जी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये खास दिन है भी, तो मतलब मौका है, तो मैं एक खास जानकारी देना चाहती हूँ। गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने का जो है इतना फल है, कहते हैं कि कल्पतरु के समान जो है हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं गोवर्धन जी। यानी कि साक्षात जो गोवर्धन जी हैं, जो धरती पे विराजमान है, जो कि हैं मतलब मथुरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाके अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा की जाए, बड़ी भीड़ मचती है गोवर्धन पूजा के दिन जो है, और बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, निश्चित ही समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों होती हैं? और जल्दी होती हैं, सबसे फास्ट तरीका इसलिए कि जब भी हम भगवान के धाम की परिक्रमा, परिक्रमा क्या कहलाती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ कम लोग जानते नहीं जानते होंगे शायद अगर कोई, तो परिक्रमा या तो आप पैदल चल सकते हैं पूरा 20 किलोमीटर जो है, जैसे कि गोवर्धन जी हैं तो उनको ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना परिक्रमा कहलाता है, तो वो 20 किलोमीटर जो है वहाँ की परिक्रमा, ठीक है। तो पैदल चलना, या फिर लोग लेट लेट के भी चलते हैं तो उसको जो है दंडवत परिक्रमा बोलते हैं, तो महिलाएँ दंडवती परिक्रमा नहीं कर सकती, वो पैदल चल के ही जो है परिक्रमाएँ करती हैं।
तो अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में एक एक कदम चलने से कई कई जन्मों के पापों का नाश होता है, ठीक है। हमारी बुरी किस्मत क्यों हो जाती, बुरा प्रारब्ध होने के कारण ही हमारा बुरा समय होता है कि किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल, किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत सी जो समस्याएं आ रही हैं क्यों होती हैं, पिछले जन्म के जो कुछ बुरे कर्म बन जाते हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा होता है, कि कितनी भी मेहनत करो पैसा ही नहीं मिल रहा, मतलब धन का कोई साधन नहीं बन रहा, ठीक है। तो परिक्रमा सबसे बड़ा साधन है हमारे पाप कर्मों को समाप्त करने का, और अगर कोई मनोकामना से करते हैं तो वो भी, और अगर भक्ति भाव से कर लें तो सोने पर सुहागा निश्चित ही, मतलब क्योंकि जीवन का सार है भगवान की भक्ति और प्रेम। कुछ भी प्राप्त कर लो ना, पैसों का बिस्तर लग जाएगा पर नींद कहाँ से लाओगे, नींद जो है ना मतलब शांति जो है ना, कुछ भी संसार का प्राप्त कर लो शांति नहीं मिल सकती, शांति सिर्फ भगवान के प्रेम और भक्ति में ही मिलती है। इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए कि भगवान से भक्ति ही मांगा जाए। परिक्रमा में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, वो ये हैं कि जब आप परिक्रमा करते हैं सीधे हाथ में जो है आपको थूकना नहीं है, आपको कुछ हाथ नहीं धोना है। देखिए 20 किलोमीटर की है परिक्रमा, कुछ थक वगैरह थक जाते हैं तो बैठ सकते हैं, बीच बीच में कुछ आप खा सकते हैं, लेकिन जो है पानी पीजिए, कुल्ला वगैरह आप उल्टे हाथ में सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। और इधर साइड कुछ नहीं करना, सीधे हाथ में ऐसे मानना है कि भगवान है हमारे, तो ये परिक्रमा का जो है नियम है। और दूसरी चीज़ है नाम जप करते हुए, जब तक आप चल रहे हैं तो बातचीत करना यहाँ वहाँ फोन कुछ भी करना ये ठीक नहीं है, फिर परिक्रमा का कैसा फल। तो आपको भगवान के नाम का जप करते हुए जो है परिक्रमा करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं अब थोड़ी एक दो मिनट के लिए भूल गया तो अब बिल्कुल परिक्रमा निष्फल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ जहाँ तक याद आए पूरे रास्ते आपको भगवान के नाम का जप करते रहना है और परिक्रमा करनी है, यानी कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा वल्लभ, जो भी आप बोलते हो राधे श्याम वैसे आप बोलते बोलते ये राधा 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 ऐसा बोलते बोलते जो है आपको परिक्रमा करनी है, ठीक है। ये आपने कर लिया ना, निश्चित ही जो है आपके जीवन के दुख मिट जाएंगे। आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, एक भी कर लें तो बहुत है। और वहाँ ऐसा भी होता है कि मटके में दूध रख के नीचे छेद करके और उसमें रुई लगा के एक एक बूंद दूध जो टपकता जाता है उसको लेकर के हांडी और फिर परिक्रमा करते हैं। कई तरीके हैं, लेकिन आप अगर साधारण तरीके से भी कर लें, बस परपंच नहीं करना चलते चलते कि बातचीत करो खूब, नहीं, नाम जप करते हुए और सीधे हाथ, जैसे मैंने बताया कि कुछ आपको थूकना नहीं है, अगर बाथरूम वगैरह जाना है तो आप उल्टे हाथ तरफ कहीं साधन ढूंढें, खाएं पिए कुछ भी, सीधे हाथ तरफ भगवान को मानना है कि वो हमारे साथ हैं, ठीक है। तो बड़ा महात्म्य होता है भगवान के धाम की परिक्रमा करने का। रही बात जो दीपावली के बाद की गोवर्धन पूजा है, तो यहाँ पे भी अगर आसपास किसी ने भी गोवर्धन जी बनाए हो गोबर से, उनकी भी आप परिक्रमा ज़रूर करिएगा, वो भी आपकी जो है निष्फल नहीं जाएगी। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है बिना फल दिए नहीं जाता है, उसका बड़ा महात्म्य है। उनकी भी परिक्रमा करनी है, भगवान के धाम उनके दर्शन करने के लिए जाने का प्रयास भी ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से आज दीपावली के दिन जैसे कि गोवर्धन पूजा होती तो मुझे ये चीज़ याद आ गई बताना, जैसे संत जनों के मुख से मैंने सुना है कि बड़े बड़े प्रारब्ध मिट जाते हैं, कल्पतरु, यानी कल्पतरु होता है एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे चले जाकर के कुछ भी मांग लो उस कल्प वृक्ष से, वो सब मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो संत जन कहते हैं कि जो है गोवर्धन जी ऐसे कल्पतरु के समान समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बताना मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बताया। इसी तरह से शास्त्रों ग्रंथों से संबंधित जो जानकारी संत जनों से सुनती वो देती रहती हूँ, पूजा पाठ धर्म सामंजस्य को लेकर। एक बार इन वीडियो को देखने के लिए जरूर आइएगा। राधे राधे।